अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो की बेटा एम्ब्रियो की तो एम्ब्रियो में मोर देन मोर देन 300 बोन्स होती है स्कल बना तो 22 बोन्स से है पर इसके अंदर भी कोई बोन्स होती हैं। ये जो फोराम मैग्नम होता है बेटा इसमें से स्पाइनल कोड पास करती है आपके वल कॉलम अंदर से खाली है, होलो है तो इसके अंदर बेटा एक केनाल होते हैं जिसे कहते हैं न्यूरल केनाल उसके अंदर होती है स्पाइनल। अगर तो दिस इज माय आम दिस इज माय आम यहाँ पर मेरी अल्लाह होगी यहाँ पर मेरी रेडियस होगी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ के रखता है लिगामेंट वेलकम बैक टू रफ्तार विद्या और दीक्षा शर्मा मैम और आज हम बेटा पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम हमारे चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का आई होप आप लोगों ने अच्छे से मसल पढ़ लिया होगा और मायोसिन की लव स्टोरी तुम्हें रट गई होगी और अब कोई भी क्वेश्चन आए मसल का तुम आराम से फोड़ दोगे तो चलो बेटा हम शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम से और आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स इन स्केलेटल सिस्टम पूरा और अगर मैं ह्यूमन स्केलेटन की बात करूँ हम में कितने बोन्स होते हैं हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो की बेटा एम्ब्रियो की तो so, एम्ब्रियो में मोर देन मोर देन 300 बोन्स होती हैं कितनी होती हैं तीन सौ से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं और अगर मैं बात करूं अडल्ट की तो अडल्ट में दो सौ बोन होती हैं कितनी होती हैं बेटा दो सौ ये दो सौ बोन ये दो सौ दो सिस्टम में बटा हुआ है दो स्केलेटल सिस्टम में बटा हुआ है एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन राइट जो आपका स्केलेटल सिस्टम है इसमें दो चीज़ें होती हैं आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एक जो मेजर होता है वो होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज इन दोनों में हमने डिफरेंसेस कर लिए थे इन द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स सो वहाँ पर एक बार दोबारा से बोन को पढ़ना फिर स्केलेटन को शुरू करना राइट right, बेटा तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह का स्केलेटल सिस्टम आता है एक एक्सियल आता है एक पेंडिकुलर आता है दोनों में क्या फर्क है जो बेटा आपका मेन एक्सिस में होता है ये वाला ये सारा आपका है सिस्टम एक्जियल ये कौन सा है सारा एक्सियल मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ इसको यहां से लेकर यहाँ वाला ये सारा बेटा आपका एक्सल है राइट और जो बाकी साइड्स में बच जाता है ये ये जिसमें गर्डल्स भी आते हैं ये सारा ये सारा आपका अपेंडिकुलर होता है राइट तो जो मेन एक्सिस में है सेंट्रल एक्सिस में ये वाला ये सारा सिस्टम बेटा आपका होता है एक्सियल और जो साइड्स में होते हैं उनको हम कहते हैं अपेंडिकुलर तो अगर मैं बात करूं, एक्सियल में इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट एट दूडनल एक्सेस ऑफ द बॉडी एट द लॉन्गिट्यूडनल और मेन एक्सेज ऑफ द बॉडी और सेंट्रल एक्सेस ऑफ दॉडी राइट और अगर मैं बात करूं <coughs> सॉरी अगर मैं बात करूं अपेंडिकुलर का तो अपेंडिकुलर इज प्रेजेंट लेटरली इट इज प्रेजेंट लेटरली साइड्स में प्रेजेंट है ठीक है हमारे अपेंडिकुलर में होती हैं 126 बोन्स आउट ऑफ 206 और इसमें होती हैं 80 बोन्स कितनी होती है 80 बोन्स तो एक्जेल में आती है बेटा 80 बोन्स और इसमें आती है आपकी 126 बोन्स तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे एक्जेल में क्या क्या आता है एक्जेल स्केलेटल सिस्टम कम्प्राइज ऑफ व्हाट व्हाट बोन्स व्हाट आर द बोन्स सो लेट्स सी अब हम इनका uh, करेंगे आगे क्लासिफिकेशन कि व्हाट बोन्स आर देयर इन योर एक्सल स्केलेटन सबसे पहले अब हमने बात करी कितनी बोन्स इसमें 80 बोन्स हैं राइट अब जो ये 80 बोन्स है कितनी बोन्स है 80 इनमें से 22 बोन्स होती है बेटा स्कल की तो स्कल कितनी बोन्स से बना है 22 स्कल बना तो 22 बोन्स से है पर इसके अंदर भी कोई बोन्स होती हैं एक बोन है जिसका नाम है बेटा हाइओइड बोन क्या नाम है हाइओइड बोन ये होती है 1

अगली बोन आती है बेटा जो स्कल के अंदर ही है वो है ईयर ऑसिकल <coughs> कौन सी बोन है बेटा ईयर ऑसिकल्स हाउ मेनी आर देयर सिक्स आर देर देर आर सिक्स ईयर ऑसिकल्स कान की बोनस तीन इधर होती हैं, तीन इधर होती हैं, तो हम कहते हैं थ्री पेयर्स क्या कहते हैं बच्चे थ्री पेयर्स क्या नाम है इनके मैलस इनकस एंड स्टेप्स मैलस इनकस एंड स्टेप्स अगर मैं इन हड्डियों की शेप की बात करूं मैं बोल रही हूं ये थ्री पेयर है तो मतलब मेरे इस कान में मैलस स्टेप्स होगा इस कान में मैलस इनक स्टेप्स होगा ठीक है तो मैलस का जो शेप होता है विट एट इज शेप्ड क्या शेप है हथौड़े जैसा इनकस का एन्विल शेप होता है एनविल क्या होता है बेटा आपने देखा होगा जो शूज मेंड करते हैं कॉबलर उनके पास इस तरह का लोहे का होता है जिसके ऊपर रख के वो शूज को ऐसे ऐसे मारते हैं दैट्स एनविल शेप और जो स्टेप्स होता है बच्चे जो स्टेप्स होता है दैट्स ट्रप शेप हॉर्स राइडिंग जिन बच्चों ने करी है उनको पता होगा कि इस तरह का बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पाव रख के फिर घोड़े के ऊपर ऐसे करके चढ़ते हैं सो स्टिरप राइट तो इनका शेप क्या है हैमर स्टिरप तो इसको याद कैसे करोगे बेटा मिस है कर लेना मिस हैज ईयर ऑसिकल्स फाइन इसके अलावा बेटा क्या बोन्स है हमारे एक्सेल में एक होती है बेटा स्टर्नम It is one. Then we have ribs, 12 pairs of ribs. And then we have vertebral column. Then we have vertebral column, kidney bones. ट्वेंटी सिक्स बोन्स तो टोटल अगर आप करोगे तो so टोटल कितनी बोन्स बेटा ये टोटल एट्टी बोन्स हो गई इन योर स्केलेटल सिस्टम अब क्वेश्चन आता है स्कल फॉर्मिंग बोन्स आते हैं ट्वेंटी बनाने वाली हड्डियाँ कितनी हैं बाइस बट स्कल के अंदर कितनी हड्डी है बेटा ये भी हड्डियां स्कल के अंदर ही होती हैं राइट तो याद रखना दीज आर प्रेजेंट इन साइड दीज टू प्रेजेंट इन साइड द स्कल

जिसमें ब्रेन होता है इसे हम कहते हैं क्रेनियम क्या कहते हैं क्रेनियम तो ये जो बोन्स होती है बनाने वाली इसे कहते हैं क्रेनियल बोन्स क्या कहते हैं क्रेनियल बोन्स तो यहां से यहां तक यहां से यहां तक जो सारी बोन्स है बेटा ये आपकी ये वाली ये सारी आपकी क्रेनियल बोन्स है कौन सी बोन्स है क्रेनियल बोन्स राइट और जो ये वाली बोन्स है ये वाली ये कौन सी है आपकी ये है फेशियल बोन्स कौन सी बोन्स है बेटा ये फेशियल बोन्स तो चलिए देखते हैं ये बोन्स का पहले नाम पढ़ेंगे फिर इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे राइट चलो तो लेट्स टॉक अबाउट दू में यू हैव टू टाइप्स ऑफ बोन्स ऑल राइट यू हैव टू टाइप्स ऑफ बोन्स एक है बेटा क्रेनियल बोन्स और एक है फेशियल बोन्स एक है फेशियल बोन फेशियल बोन्स होती हैं फोर्टीन और क्रेनियल बोन्स होती हैं एट चलो तो क्या क्या है बोन्स बेटा हमारे पास वी हैव फ्रंटल वी हैव राइटल वी हैव टेम्पोरल वी हैव स्वीनॉइड वी हैव इथमॉइट एंड वी हैव ऑसिपिटल ठीक है इसको याद कैसे करोगे few पीपल few पीपल try स्पेंडिंग एवरी ऑप्शन ऐसे याद कर लेना ठीक है अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला कि आठ हड्डी हैं पर ये तो टोटल सिक्स ही नाम लिखवाए हैं क्योंकि बेटा आपकी जो पेराइटल है पेराइटल दो होती है टेम्पोरल दो होती है तो टोटल बोन्स कितनी होगी बेटा आठ तो चलो इनकी लोकेशन देखते हैं लोकेशन देखने के लिए ज्यादा ताबड़तोड़ डायग्राम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी खोपड़ी है है ना है ना खोपड़ी तो ये फ्रंटल हो गई जो आपका माथा बना रही है फ्रंटल आपका फोरहेड बनाती है ठीक है ये फ्रंटल यहाँ तक गई यहाँ पर बेटा आपकी पेराइटल आ जाती है क्या आ जाती है यहाँ पर यहाँ पर पेराइटल उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल बोन आ जाती है ऑसिपिटल तो ये सिंगल ये सिंगल ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आपकी आ गई ये आ गई पेराइटल ये आ गई आपकी फ्रंटल ठीक है अब यहाँ पर आती है आपकी स्वीनॉइड और इधर कान के पास आती है टेम्पोरल सो दिस इज स्वीनॉइड एंड दिस इज टेम्पोरल ठीक है टेम्पोरल भी दो है पेराइटल भी दो है तो स्वीनोयड तो मैंने यहाँ पर लगाई ये दो नहीं है ये एक ही है क्यों क्योंकि ये बेटा एक ऐसे हड्डी है ऐसे प्रेजेंट है अंदर की तरफ ये इधर से भी दिखेगी ये इधर से भी दिखेगी तो इसीलिए हम कहते हैं सीनोइड एक ही बोन है अंदर की तरफ प्रेजेंट है पर उसकी एजेस हमें यहाँ और यहाँ पर दिखती हैं समझ में आई सब बच्चों को बात तो इसीलिए हम कहते हैं सीनॉइड एक है और बाकी अः फ्रंटल भी एक है भी एंड ऑसिपिटल भी इनके कहा लोकेशन है अभी डायग्राम में अच्छे से और देखेंगे फाइन इसके बाद फेशियल बोन कौन सी आती है बेटा वोमर नेजल कौन के नेजल मैग्जिले मैंडिबल पैलेटाइन एंड लेक्राइमल ये होती है इनमें से मैंडिबल इनमें से मैंडिबल एक है वोमर एक है बाकी सब डबल है तो टोटल बेटा कितना हुआ दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह ठीक है तो ये बेटा टोटल आपके पास क्या हो गई ये होगी बेटा आपकी आप इसको याद रखोगे जैसे मान लो हमारी जब मैं एक क्लास में पढ़ाती थी तो तब एक बच्चे का नाम था वैभव तो हमने उसी से ही रख लिया था तो यहाँ पे वैभव होगा तो वैभव कैन नॉट मेक zebra laugh ठीक है तो इसको इस तरह से आप याद कर लेना चलिए अब हम देखते हैं इसका डायग्राम ऑल राइट right, तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे आप, आपका स्कल कैसा दिखता है राइट right? तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा ये कौन सी बोन हो गई ये फ्रंटल हो गई इधर जो बोन है ये वाली ये पेराइटल हो गई ये टेम्पोरल हो गई ठीक है अब ये जो बोन है ये ऑसिपिटल है ये वाली ये छेद देख रहे हो ये वाला छेद ये छेद ऑसिपिटल में होता है इसे हम कहते हैं फोराम मैग्नम क्या कहते हैं इस छेद को इस छेद को बेटा हम कहते हैं फोराम मैग्नम सो दिस इज दोरामिन मैग्नम इफ यू कैन सी क्लियरली दिस छेद इज द फोरामिन मैग्नम राइट ये जो फोरामिन मैग्नम होता है बेटा इसमें से स्पाइनल कोड पास करती है क्या पास करती है स्पाइनल कोड राइट सो अब आते हैं स्वीनॉइड पे ये जो बोन दिख रही है स्वीनॉइड है आप देखो अंदर भी है ये बोन है ना पूरी बड़ी सी तो ये पीछे यहाँ तक जा रही है बोन तो इट्स अ सिंगल बोन एंड दैट्स ये साइड से भी आपको दिखेगी ये जो बोन है बेटा ये आपकी जाइगोमैटिक आर्क है ये क्या है बेटा जाइगोमैटिक आर्क ये जो चीक बोन होती है इधर आपके ये जो बोन है ये वाली आपकी मैंडिबल है मैंडिबल पे भी दांत लगे हैं सॉरी <coughs> <coughs> ये जो बोन है बेटा ये आपकी मैक्सिले है मैक्सिले पे भी दांत लगे हैं ये जो बोन है बेटा ये आपकी नेजल है दिस इज नेजल

ये आपकी इथामोइड बोन है ये आपकी इधर इथमॉय बोन है, हैथेमोइड in, so, को देखना विजुलाइज करना इस स्ट्रक्चर में बहुत मुश्किल होता है आप ऐसे लगाओ ये जो आपका नाक है ना ये इसके बिल्कुल पीछे एक हड्डी पड़ी है वो कौन सी बोन है ईथमोइड हम नीचे से इसको विजुअलाइज करते हैं फ्रॉम दिस पोजिशन सी दिस स्ट्रक्चर दिस बोन इज योर इथामॉइड बोन ये जो दिख रही है ऐसे और ऐसे ये वोमर हो गई ये वोमर हो गई ये इथेमोड हो गई दिस इज इथमॉइड एंड दिस इज द दोमर राइट तो ये थे बेटा आपके सारे बोन्स पैलेटाइन कौन सी होती है पैलेटाइन रहेगी पैलेटाइन बेटा होती है जो आप अगर जीव लगाओगे अपने टंग लगाओगे अपने बकल कैविटी के छत पर तो आपको एक बोन दिखेगी उस बोन का नाम क्या है बेटा पैलेटाइन बोन है राइट right? तो ये हुई बेटा आपकी सारी बोन्स विच आर क्रेनियल बोन्स एंड द फेशियल बोन्स तो चलो हम एक बार स्ट्रक्चर इसका बनाकर देखते हैं कि हाउ डज इट लुक्स लाइक तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा ऐसा स्कल राइट फाइन तो बेटा ये जो आगे बोन है ये वाली ये कौन सी है ये है फ्रंटल ये जो बोन है ये है पेराइटल ये जो बोन है इधर ये है ऑसिपिटल हम सजाइटल से सेक्शन देख रहे हैं फाइन अब यहाँ पर बेटा अगर अगर हम देखें अच्छे से इधर आपके पास एक गोला था का जिसे कहते हैं आई ऑर्बिट क्या कहते हैं आई ऑर्बिट अब इधर जो बोन है ये वाली ये कौन सी थी स्फीनॉइड राइट right? ये जो पूरी बोन है ये कौन सी है टेम्पोरल ठीक है टेम्पोरल के साथ ही बेटा यहां पर आपका मैंडिबल ज्वाइंट बनाता है लाइक दिस दिस इज This is Fine. अब, आगे हैं. अब यहां पर हमने बेटा क्या बनाया था यहां पर बोन ये मैगजिला हो गया मैगजिला को थोड़ा नीचे लेके आते हैं ये बेटा मैग्जिला हो गया यहाँ पर जो बोन है ये वाली ये कौन सी है zygomatic. Zygomatic, right? और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है ये वाला दिस इज योर मैग्जिला दिस इज एक्सिल ऑल राइट तो ये तो बेटा आपकी बोन से जो आपको प्रोमिनेंटली दिखती हैं। यहाँ पर क्या होगी यहाँ पर होगी बेटा नेजल बोन तो नेजल बोन ये आई ऑर्बिट है आई ऑर्बिट में बेटा इस जगह पर ये वाली लेक्राइमल है ये क्या है अंदर की तरफ लेक्राइमल ऑल राइट इथमोइड मैंने आपको अंदर दिखा ही दिया अंदर की तरफ होती है तो इस तरह आपका स्कल दिखता है थोड़ा बहुत राइट तो ये चलो मैंने बनाने की बड़ी अच्छी कोशिश करी है स्कल को तो ये आपकी बेटा खोपड़ी है कुछ इस तरह से ये दिखती है फाइन अब आगे बढ़ते हैं आगे बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ऑसिपिटल बोन होती है ऑसिपिटल बोन में यहाँ पर एक छेद होता है इस छेद को हम क्या कहते हैं पोरामेन मैगनम पोरामेन मैग्नम में से क्या पास होता है स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड पास फ्रॉम हेयर ओके okay. इसके अलावा आपके ऑसिपिटल बोन के नीचे दो ऐसे सी लगी होती हैं होती हैं हड्डी की हैं ऐसे दो कुंडियां होती हैं बिल्कुल ऐसे इनको हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स क्या कहते हैं बच्चे इनको ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हमारे स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं तो जिस स्कल में बेटा दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं उस स्कल को हम कहते हैं डायकोंडाइलिक स्कल तो अगर कोई पूछे ह्यूमन स्कल क्या है तो आप बोलोगे डायकोंडाइलिक व्हाट इज अ डायकोंडाइलिक स्कल डाइकोंडलिक स्कल वो होता है डायकोडायलिक स्कल वो होता है विच टू ऑसिपिटल कोंडाइल्स राइट अब हर एक बोन के बीच में ये जॉइंट दिख रहा है आपको लंबी लंबी लाइने इन जॉइंट को हम बोलते हैं स्यूचर्स क्या बोलते हैं स्यूचर्स तो स्यूचर्स आर द जॉइंट्स ऑफ स्कल दिज आर द जॉइंट्स ऑफ द स्कल फाइन बेटा चलो प्रिटी गुड अब हम बात करते हैं स्फिनॉइड की जो स्फिनॉइड बोन है जो स्फिनॉइड बोन है बेटा ये एक सिंगल बोन है और इसी बोन से सारी बोन्स जुड़ी हुई हैं इसी बोन के अंदर एक छोटा सा सीट बनी हुई है एक सीट बनी हुई है जिसके ऊपर पिटूटरी ग्लैंड बैठती है डिप्रेशन है ऐसे करके ठीक है इसके ऊपर कौन बैठती है पिटूटरी ग्लैंड बैठती है और इस सीट को हम कहते हैं सेला टर्सिका सो so, स्फिनॉइड बोन

को हम बोन कहते हैं, राइट इसे ब्रेस्ट बोन क्यों कहते हैं क्योंकि ये आपके वेंट्रल रीजन में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है अगर फीमेल की बात करें इन बिटवीन द्रेस्ट इट तो इज प्रेजेंट It is present at the ventral position. It is present. It is present in the thorax. Alright, alright, alright. My bad. It is present in the thorax. राइट right? या फिर आपको एक टर्म और भी आ सकता है ventral midline, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है ठीक है तो ये मैंने दोनों लिख दिए अगर आप इसको इसके शेप देखोगे ये एक फ्लैट बोन है और डैगर शेप है डैगर मतलब खंजर डैगर शेप कैसे दिखती है लेट्सी बेटा स्टर्नम को पहचानना कैसे है सबसे पहले यहाँ पे अपने टच करके देखो यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज फील होती है बिल्कुल ऐसे गला जहाँ खत्म होता है होती है ये स्टर्नम यहाँ से शुरू हो जाती है तो ये जो चीज आपको ऐसे फील हो रही है दिस इज सुपरा स्टर्नल नोच क्लेविकुलर नोच एंड देन द फैसेट फॉर रिब्स तो जो आपकी सबसे पहले एक बात अच्छे से समझो आपका रिबकेज किया था हमने ब्रीदिंग में ब्रीदिंग में जब रिप केज किया था तो बेटा मैंने आपको बताया था कि रिप केज बनता है डोसली बाय लेटरली बाय रिप्स एंड वेंट्रली बाय दिसम ये किया था तो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास बेटा क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या है अगर आप अच्छे से देखोगे अगर आप अच्छे से देखोगे सबसे पहले ये जो आपके पास डिप्रेशन बनती है ये जो आपको फील होती है ये प्रेजेंट है जिसे कहते हैं सुपरा स्टर्नल नोच सुपरा स्टर्नल नोच तो अगर मैं आपके स्टर्नम की बात करूं तो स्टर्नम बेटा जो स्टर्नम है वो क्लेविकल से भी जुड़ा हुआ है वो रिब से भी जुड़ा तो यहां पर साइड में कौन जुड़ता है क्लेविकल्स तो इसे हम कह देते हैं क्लेविक्यूलर नोच क्या कह देते हैं क्लेविक्युलर नोच ये भी क्या है क्लेविक्यूलर नोच राइट फिर यहां पर पहला रिब लगता है तो इसे हम कहते हैं फैसेट फॉर फर्स्ट रिब दिस इज द फैसेट फॉर फर्स्ट रिब नेक्स्ट फिर उसके बाद बेटा बाकी के रिब्स जुड़ते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स राइट एंड सेवेंथ तो इस तरह से अगर आप देखोगे इसमें सात रिब्स के लिए फैसेट्स हैं कितने रिप्स के लिए फैसेट्स से, हैं सेवन रिप्स के लिए तो अगर हम यहाँ पर देखें इधर पहला रिप जुड़ गया इधर दूसरा इधर तीसरा फोर्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ हमारे पास कितने रिप्स थे हमारे पास ट्वेल्व पेयर थे रिप्स के कितने रिप्स के पेयर थे ट्वेल्व पेयर थे तो अगर हम यहाँ पर बेटा देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रिप जुड़ा यहाँ पर सेकेंड रिब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ ये सब स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जोड़ते इनको जोड़ता है बेटा कॉस्टल कार्टिलेज इट्स अ टाइप ऑफ हाइलीन कार्टिलेज इट्स इट्स अ अ टाइप टाइप ऑफ ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे हर एक रिप स्टर्नम से जुड़ रहा है विद हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज ये क्या है बेटा एक तरह का हाईलीन कार्टिलेज हमने कार्टिलेज के टाइप्स करे थे ना करे थे सो so ये कौन सा टाइप है बेटा ये है एक तरह का हाईलीन कार्टिलेज तो so बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको मैंने बताया हमारे पास तो 12 पेयर होते हैं रिब के पर यहाँ पर कितने रिब जुड़ रहे हैं सिर्फ सेवन ही जुड़ रहे हैं या कह लो सेवन पेयर ऑफ रिब्स यहाँ पर डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ रहे हैं राइट इसका रीजन क्या है चलिए देखते हैं उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे रिब्स तो अगर मैं रिब की बात करूं रिब्स आर फ्लैट बोन्स ये एकदम से फ्लैट बोन्स होते हैं एंड रिब्स को हम कहते हैं दे आर बाईसेफेलिक व्हाई यू कॉल देम एज़ बाईसेफेलिक वाई का मतलब होता है टू सिफेलो का मतलब होता है हेड इसके टू हेड्स हैं लेट्स सी हाउ अगर मैं रिब का स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चे तो ये कुछ ऐसा बनेगा इधर इसके दो फैसेट्स होंगे इधर लाइक दिस आपको भी पता है बेटा जब रिबकेज बनता है तो रिब्स साइडों में होते हैं पीछे वो थोरासिक व टिब्रे से अटैच होते हैं और आगे वो स्टर्नम से होते हैं तो मतलब जो ये वाला एंड होगा इसमें फैसेट्स होंगे फैसेट्स क्या होते हैं बेटा वो चीजें जो आपके किसी चीज से जुड़ती हैं ठीक है थीके? तो दीज आर फैसेट्स फॉर थोरासिक व एंड दीज आर फैसेट्स फॉर टर्नम तो अगर आप इसका मुंह देखोगे इधर से तो आपको लग रहा है ना इसके दो हेड्स हैं तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बाईस अगर मैं रिब्स को कैटेगराइज करूं, अगर मैं रिब्स को कैटेगराइज करूं, मेरे पास कितने टाइप्स के रिब्स हैं सबसे पहले मेरे पास है, बेटा ट्रू रिब्स दूसरा फॉल्स रिब्स और तीसरा फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं हम इनको ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग जो ट्रू रिब्स हैं उनको हम बोलते हैं टर्नल रिब्स। ये होते हैं फर्स्ट सेवन पेयर एक से सात पेयर जो हमने यहाँ पर बनाए यहाँ पर हमने बेटा जो रिब बनाए वो पीछे से वटिबरा से अटैच है आगे से स्टर्नम से अटैच है है ना बच्चे पीछे से वटिब्रा से अटैच है आगे से स्टर्नम से अटैच है तो ये शुद्ध रिब्स हुए क्योंकि ये स्टर्नम से है आगे से. तो इनको हम बोलते हैं टेन, राइट? तो इसमें क्या होता है अगर मैं बोलूं कि ये आपके रिब्स है ये, ये रिब्स हैं ये वाला कौन सा रिब है बेटा ये रिब है और रिब के ऊपर लगा है यहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेज कार्टिलेज

फॉल्स रिब्स कह देते हैं क्या बोल देते हैं फॉल्स रिब्स अब बात आती है इलेवन एंड ट्वेल्थ पेयर की जो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स फ्लोटिंग को हम सिर्फ वटिब्रल रिंग्स ही वटिब्रल uh, रिब्स ही कहते हैं क्योंकि बेटा ये जो रिब्स हैं ये रिब्स जो हैं वो सिर्फ वटिब्रा से अटैच है आगे की तरफ वो किसी से भी अटैच नहीं है झूल रहे हैं हवा में तो उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग राइट right? तो यहां पर हमें आरे पास कितनी कैटेगरी आई बेटा तीन कैटेगरी आई सबसे पहले हमारे पास है ट्रू रिप्स जिनको हम रिप्स कहते हैं विच आर फर्स्ट टू सेवन पेयर्स दे आर दे आर डॉर्सली अटैच टू दे आर डॉर्सली अटैच टू थोरासिक वटिब्रे एंड टू टर्नम राइट फॉल्स कौन से है बेटा इनको हम बोलते हैं वटिब्रो कॉन्ड्रल क्योंकि पीछे से तो ये वटिब्रा से अटैच है आगे ये सेवेंथ के कार्टिले से अटैच है तो so दीज आर वटिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स राइट right? ये कहाँ कौन से पेयर्स है ये एट नाइन और टेन तो डॉसली दे आर अटैच टू वटिब्रे एनवेंट्रली टू कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिबी फ्लोटिंग कौन से है बेटा ये इनको वर्टिब्रल रिब से भी बोल देते हैं ट्वेल्थ दे आर ओनली अटैच दे आर ओनली अटैच टू वटिब्रे डॉर्सली राइट right? तो ये बेटा कौन से रिब्स हुए ये आपके हुए फ्लोटिंग रिब्स तो इस तरह से तीन प्रकार के रिब्स होते हैं इसको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भी आता है फाइन चलो नेक्स्ट मूविंग फॉर द टू बेटा योर वोटेब्रल कॉलम जिसे हम कहते हैं बैकबोन और रीढ़ की हड्डी इसका लोकेशन क्या होता है बेटा इट इज प्रेजेंट डॉर्सली अगर मैं बात करूं व टिब्रल कॉलम की बेटा व्हाट इज इट्स फंक्शन काम क्या करती है ये आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है पोस्टर प्रोवाइड करती है और क्या करती है अगर मैं बोलूं आपके व कॉलम अंदर से खाली है होलो है तो इसके अंदर बेटा एक केनाल होते हैं जिसे कहते हैं न्यूरल केनाल उसके अंदर होती है स्पाइनल कोड क्या होती है स्पाइनल कोड तो हम कहते हैं ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट भी करती है इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड ठीक है अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम ऐसे है और इसको सामने से देखूं ऐसे लाइक like दिस तो अंदर मुझे इसके अंदर क्या दिखेगा ये खाली चीज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा स्पाइनल कोड तो दिस इज स्पाइनल कोड एंड दिस इज वर्टिब्रल कॉलम और जो अंदर खाली स्पेस है इसे मैं क्या बोलूंगी न्यूरल केनाल न्यूरल केनाल तो वी से द होलो कैविटी इनसाइड the vertebral column in in which which spinal spinal cord cord is present. So, neural canal in which spinal cord is present. अगर आप देखो ये जो पूरी रीढ़ की हड्डी है ये एकदम सीधी नहीं है ये कर्व डी है कर्व है इसमें ठीक है कर् है कर्व curved कर्व डी बोल दिया मैंने ठीक है तो बेटा ये कर्वी होती है ऐसे इस तरह से फाइन तो अगर आप देखोगे आपको एक इधर कर्व दिख रहा है फिर ऐसे कर्व है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, है ना तो हमेशा याद रखना हमारी वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सीधी नहीं कर्वी होती है हम हम जब पैदा होते हैं ना जब हम पैदा होते हैं मान लो हम इन हैं है क्या है हम इन जो हमारी व कॉलम थी जो हमारी व कॉलम थी बेटा वो ऐसी होती थी ठीक है मान लो अगर मैं बोलूँ ये वाले जो इसकी हड्डियाँ हैं जो नेक में होती हैं मैं बोलूं अगर जो वटिब्रल कॉलम होती है वटिब्रल कॉलम बोन्स से बनी है और उन बोन्स को हम कहते हैं वटिब्रे क्या कहते हैं वटिब्रे हमारे पास चार टाइप के वटिब्रे होते हैं कितने टाइप के वटिब्रे होते हैं बेटा चार टाइप के एक जो गर्दन में होते हैं उन्हें कहते हैं सर्विकल जो थोरासिक रीजन में होते हैं थोरासिक जो इधर नी पीछे होते हैं बैंड में वो लंबर और फिर जो पेल्विक में होते हैं वो होते हैं सेक्रम एंड कॉकिक्स ठीक है तो ये हमारे पास बोन्स होते हैं ये वटिब्रे होते हैं तो ऐसे ही हमारे पास कर्व्स भी हम उन्हीं के नाम के हिसाब से रख देते हैं तो जब एक बच्चा पैदा होता है बेटा उसकी वटिब्रल कॉलम ऐसे होती है ये सर्विकल हो गया ये थोरासिक हो गया ये लंबर हो गया और ये सेक्रम एंड कॉकिक्स हो गया ठीक है जब बच्चा उठना बैठना सीखता है तो इसके सर्विकल कर्व आता है तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो ये कर्व ऐसे है ये वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था थोरासिक। फिर जब वो बैठता है तो उसमें लंबर कर्व आता है और ये वाला कर्व वैसे का वैसे ही है है ना तो ये किधर से कैसे कन्वर्ट हुआ जब बच्चा बैठता है तो उसको सर्विकल सॉरी जब बच्चा अपना गर्दन उठाता है तो उसको सर्विकल और जब बच्चा बैठता है तो उसको लंबर कर्व आता है तो इन कर्व्स को हम जैसे सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व इनको हम सेकेंडरी कर्व्स कहते हैं क्या कहते हैं सेकेंडरी कर्व्स कहते हैं फाइन तो ये भी क्या हुआ बेटा सेकेंडरी कर्व्स ऑलराइट राइट तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या बताया आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो किसका बना है द वर्टिब्रल कॉलम द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स वन द इेगुलर शेप बोन्स इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती इनके छोटे छोटे प्रोसेसेस, स्पाइन ऐसे छोटी छोटी बाजुएं निकली होती हैं और दूसरा इसमें होता है बेटा इंटर वर्टिब्रल डिस्क राइट right? चलो अगर मैं बोलूं बेटा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक वटिब्रा है ये दूसरा वटिब्रा है इसके बीच में एक क्वेश्चन लगा हुआ है इस क्वेश्चन का नाम है इंटरविब्रल डिस्क और ये हुए इरेगुलर शेप बोन जिनका नाम है वटिब्रे ठीक है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी होती है इसके अंदर होता है बेटा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इट कंटेन्स वाइट फाइबरस कार्टिलेज इसका काम क्या होता है बेटा अगर एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ी रहेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको अगर एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में कुशन होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तभी हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपने सुना होगा कई लोग गिर जाते हैं उनको स्लिप डिस्क हो जाता है स्लिप डिस्क में क्या होता है दो हड्डियों के बीच में जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये इधर उधर हो जाती है जिससे आपके नर्व्स प्रेस हो जाते हैं और आपको पेन होता है उसे स्लिप डिस्क कहते हैं फाइन अब ये जो वटिब्रे हैं बेटा इन वटिब्रे का क्या टाइप्स बताया मैंने सबसे पहले बताया मैंने सर्विकल दूसरा थोरासिक तीसरा लंबर ठीक है ये थे सारे अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट में सात सर्विकल होते हैं बारह थोरासिक पांच लंबर एक सेक्रम और एक कॉकिक्स। ये था बेटा टोटल ट्वेंटी टू इन अडल्ट सॉरी टोटल ट्वेंटी सिक्स इन अडल्ट राइट अगर मैं इन्फैंट की बात करूं, अगर मैं इन्फेंट की बात करूं, उसमें सेवन सर्विकल बारह थोरासिक पाँच लंबर पाँच सेक्रम और चार कॉकिक्स होते हैं जिससे टोटल बनता है बेटा थर्टी थ्री तो अडल्ट का अगर कोई वटिब्रल फॉर्मूला पूछ ले तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे सी सेवन टी ट्वेल्व एस वन एन सी वन अगर कोई इन्फेंट का पूछ ले तो सी सेवन टी ट्वेल्व एल फाइव एस फाइव एंड सी फोर ये हुआ बेटा इन प्लांट का राइट right? तो इतनी आप में क्या होती हैं बोन्स होती हैं ऑल right, तो आगे चलते हैं बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा ये आपके सर्विकल वटिब्रा है क्या है ये सर्विकल सर्विकल का जो पहला वटिब्रा होता है उसे हम कहते हैं एटलस फर्स्ट जो सर्विकल सेकंड होता है उसे हम कहते हैं एक्सेस राइट right? अब कहानी सुनो जो एटलस है वो पहला सर्विकल व है और हम कहते हैं एक एटलस आपने मेथोलॉजी में पढ़ा होगा कि एटलस एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया को अपने कंधे पे उठाया हुआ है राइट तो वैसे पूरी दुनिया है स्कल और जो एटलस है फर्स्ट वटिब्रा एटलस कौन सा है फर्स्ट उसने अपने पूरी दुनिया मतलब अपने स्कल को उठाया हुआ है तो वेट बेयरिंग जो पहला व है वो एटलस होता है एटलस आपके स्कल का भार उठाता है एटलस में अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये छेद दिख रहे हैं दिख रहे हैं इन छेद में जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं वो फिट होते हैं क्या फिट होते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या थे बेटा ये ठीक है तो अगर तो अगर यहाँ पर पहला व टिबरा प्रेजेंट है एटलस यहाँ पर पहला व टिब्रा प्रेजेंट है एटलस तो एटलस के दो छेद में ये दोनों कुंडियां फंसेंगी राइट बेटा तो यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा इन दोनों के बीच में उसे हम बोलते हैं अटलांटो ऑस्पिटल ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट अटलांटो ऑस्पिटल सो इसमें कौन फिट होता है हियर ऑस्पिटल फिट हियर राइट तो यहां पर जब वो दोनों फिट हो जाएंगे तो एक ज्वाइंट बनेगा तो उस ज्वाइंट का नाम क्या होगा बेटा ज्वाइंट का नाम होगा अटलांटो आपको दिख रहा है बेटा ये एक्सिस है दूसरा एक्सिस के ऊपर होती है ये यहां पर फिट हो जाती है ऐसे ठीक है तो अगर ये एक्सेस है तो एक्सिस की ज्वाइंट ये जो डेन है ये जो पैग है इसे प्रोसेस भी कहते हैं ये ऐसे एटलस में फिट हो जाएगी और उससे ये मूवमेंट हो पाएगी इन दोनों के बीच में तो बेटा ये मूवमेंट हमें कब होती है जब हम नो बोलते हैं लाइक दिस तो ये जो नो मूवमेंट है वो क्यों होती है किसकी वजह से होती है क्योंकि एटलस और एक्सिस के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है तो एटलस और एक्सिस के बीच में भी एक ज्वाइंट बन रहा है जिसे हम कहते हैं एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट ये बेटा जो ज्वाइंट है ये आपको क्या बोलने में हेल्प करता है नो तो इसे बोलते हैं नो no बोन तो जो हम यस yes बोलते हैं ऐसे ही है कि इसकी वजह से पॉसिबल है ये पॉसिबल है बेटा आपके ऑसिपिटल और एटलस के बीच में जो जॉइंट है उसकी वजह से तो इसे हम कहते हैं यस बोन ठीक है तो ये थे बेटा कहानी आपके सर्विकल के एटलस एक्सिस और ऑसिपिटल के बीच में जो जॉइंट बनता है उसकी अब आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे बेटा हम अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सो लेट्स गेट स्टार्टेड नेक्स्ट इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात करें बेटा इसमें टोटल कितनी बोन्स थी 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें आती हैं एक आते हैं बेटा लिम्स आपकी बाजुएँ और आपकी टांगे और एक आते हैं गर्डल्स गर्डल क्या होता है बेटा गर्डल होता है जो किसी चीज को फिक्स करके रखे और उसको मजबूती दे 120 बोन्स आती आती हैं आपके लिम्स में में एंड छह बोन आती है गर्डल में। गर्डल दो तरीके के होते हैं बेटा एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल ठीक है चलो एक डायग्राम हमने स्टार्टिंग में किया था उसको देखते हैं ये वाला इसमें आप देख सकते हो बेटा ये जो पार्ट है ये वाला आपका पेक्टोर पेल्विक गर्डल है और जो ऊपर वाला है ये इधर पीछे की तरफ इस साइड से आपको नहीं दिखेगा वो है आपका पेक्टोरल गर्डल ठीक है अब बेटा इधर देखो अगर मैं बोलूं गर्डल में क्या क्या आते हैं दो तरह के गर्डल एक आता है बच्चे आपका पेक्टोरल एक आता है पेल्विक पेक्टोरल में चार बोन्स होती हैं पेल्विक में दो बोन्स होती हैं तो पेल्विक में जो दो बोन्स होती हैं उनका नाम है हिप बोन ये बोन को हम कॉक्सल बोन भी बोल देते हैं इन बोन्स भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं इन बोन्स, बोन्स पेक्टोरल में बेटा दो तरह की हड्डी आती है एक स्कैपुले जिसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं और एक आती है क्लेविकल जिनको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कह देते हैं तो ये टोटल फोर है दो ये हुई दो ये हुई दो ये है शोल्डर ब्लेड इसको हम ब्यूटी बोन भी कह देते लिम्ब की बात करें लिम में बेटा 120 बोन्स है आपके पास चार लिंब होते हैं दो फोर लिम्ब और दो हाइड लिम्ब और हर एक लिंब में तीस बोन होती है ईच लिम्ब कंटेन्स थर्टी बोन्स तो थर्टी इंटू फोर इज वन ट्वेंटी तो ये थे बेटा आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन की क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं बेटा पेक्टोरल गर्डल में पेक्टोरल गर्डल में एक बोन है जिसका नाम है स्कैपुला तो ये दो होते हैं कितने होते हैं बेटा दो तो मान लो ये आपका स्कैपुला है ये वाला आप ऐसे पीछे करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चुभेगा तो ये बोन आपकी इधर क्या होती है बेटा स्कैपुला और यहाँ पर

और ये प्रेजेंट कहाँ होती है इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड रिब टू सेवेंथ रिब यहाँ पर मान लो सेकेंड रिब है और यहाँ पर आपका सेवंथ रिब है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है फाइन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो चीज चुभती है उसकी ये स्पाइन होती है स्पाइन आगे एक हथौड़े जैसे स्ट्रक्चर में खुलती है इसे हम कहते हैं एक्रोमियन क्या कहते हैं एक्रोमियन तो ये एक्रोमियन भी किसका पार्ट है बेटा ये भी स्टैपुला का ही पार्ट है तो अगर आप देखोगे अच्छे से इसके साथ बहुत सारी मसल्स जुड़ी होती है सो ऑल दीज मसल्स हेल्प यू टू लाइक like, आपकी बॉ इसको मूव करने में हेल्प करते हैं बैक को जब आप करते हो ना वो पुशअप्स वगैरह करते हो पुशअप्स करते हो ना तो पुशअप के टाइम पे एक तो आपकी आर्म्स पे जोर पड़ता है पड़ता है या फिर अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करो या ये वाली करो तो इस टाइम पे आपकी पीछे वाली मसल स्ट्रेच हो रही होती है तो यहाँ पर जो भी मसल है ये सारी इसी बोन पे अटैच होती है क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स हैं तो ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स विल भी अटैच टू दी बोन्स तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी मसल्स बेटा अटैच होती है फाइन तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्पाइन ये क्या है बेटा स्पाइन अब यहाँ पे जो ये डिप्रेशन दिख रहा है इसका नाम क्या है ग्लिनोइड कैविटी क्या नाम है ग्लिनोइड कैविटी अब मैंने कहा जो आपकी स्कैपुला है ये क्लेविकल से भी जुड़ी हुई है ये आपकी इस बोन से भी जुड़ी है ह्यूमरस तो एक्रोमियन जो पार्ट है यहाँ पर आकर क्लेविकल जुड़ती है और जो ग्लिनोइड कैविटी है यहां पर आपकी ह्यूमरस ये वाली बोन जुटती है तो इसका क्वेश्चन आता है बेटा ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है ग्लिनोइड कैविटी में यहां पर ह्यूमरस का हेड फिट होता है सो द हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स हियर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स हियर राइट आगे चलते हैं दूसरी बोन है बेटा क्लेविकल क्लेविकल भी दो हड्डियां थी क्लेविकल की जो शेप होती है इट्स एस शेप बोन आप अगर इसको देखोगे ये थोड़ी इस तरह से दिखती है लाइक दिस ठीक है ये वाला मान लो इसका acromial end है. Acromial end किस से जुड़ेगा बेटा ये जुड़ेगा यहाँ पर एकमियन ऑफ स्कैपुला इट फॉर्म्स ज्वाइंट विथमियन ऑफ राइट right? और ये कौन सा एंड है बेटा स्टर्नल एंड ये किससे जुड़ेगा हमने स्टर्नम किया था स्टर्नम किया था ये लो स्टर्नम किया था या, यहां पर तो स्टर्नम यहां पे किया था ना क्लेविकुलर नोट तो क्लेविकल आगे से इस पे जुड़ेगा ऑल राइट right. तो ये कौन सा एंड हुआ स्टर्नल तो ये बेटा किससे जुड़ेगा ये एंड स्टर्नम के साथ जुड़ेगा वहां पर क्या बनाएगा वहां पर जॉइंट बनाएगा ये हुआ बेटा आपका पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल के बाद बेटा आगे पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल पेल्विक गर्डल किसका बना है ये बना है दो हिप बोन्स का किसका बना है इट इज अप ऑफ मेड अप ऑफ टू हिप बोन्स जो आपकी एक हिप बोन है कौन से एक हिप बोन ये बनी है बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स जैसे अगर मैं बेटा स्ट्रक्चर बनाऊ इसका ये लो यहां पर ऊपर वाली जो हड्डी है ये ऐसे करके तीन बोन की फ्यूजन से ये एक हिप बोन बनी है ऊपर वाली जो हड्डी है बेटा उसका नाम है इलियम इसका नाम है प्यूबिस और इसका नाम है इश्चियम ठीक है जहां पर ये तीनों बोन्स फ्यूज कर रही हैं, यहां पर एक छोटा सा ऐसे गोला बना हुआ है तो एट द फ्यूजन पॉइंट ऑफ ऑल दीज थ्री बोन्स जहाँ पर ये तीनों बोन फ्यूज रही है यहाँ पर एक गोला बना है इसे हम कहते हैं ऐसी टैबुलम जिस तरह से बेटा ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा था इस ऐसे टेबुलम में क्योंकि ये हिप में है तो इस पे किसका हेड फिट होगा फीमर का फीमर क्या होती है आपकी थाई बोन आपकी टांग की पहली बोन राइट सो ऐसे टेबुलम में क्या फिट होता है द हेड ऑफ फीमर हेड ऑफ फीमर फिट से राइट ऑल राइट अब अब देखते हैं बेटा ये पेक्टोरल गर्डल किस तरह से सिचुएटेड होता है मान लो ये आपकी सेक्रम है ये क्या बेटा आपकी बोन सेक्रम सेक्रम इस तरह से दिखती है नीचे से ऊपर से और साइड से ये किससे जुड़ी हुई है बेटा हिप बोन से तो सेक्रम ऐसी बोन है जो आपका पेल्विक रीजन में होती है और ये हर तरफ से एक एक बोन से जुड़ी हुई है सेक्रम क्या है बेटा ये एक फ्लैट बोन है ये वटिब्रल कॉलम की बोन है राइट right? बाकी वटिब्रा से ये थोड़ी अलग होती है यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे जो आपकी हिप बोन है यहाँ पे अगर आप देखोगे हिप बोन तीन बोन की फ्यूजन से बनी है इलियम प्यूबिस एंड एंडियम देख रहे हो यस yes? यहाँ पर ये जो चीज है जहां पर तीनों बोन्स का फ्यूजन पॉइंट है ये पॉइंट है ऐसी टैबुलम और इस पे ऐसे फीमर जुड़ा हुआ है राइट right? अगर मैं देखूं ये भी एक हिप बोन है ये भी एक हिप बोन है ये साइड डॉर्सल हुई ये साइड वेंट्रल हुई, हुई ना ये साइड तो पीछे वाली हुई क्योंकि कॉलम तो बोन से से जुड़ रही, रही है और यहाँ पे जो इस स्ट्रक्चर से जुड़ रही है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी वाइट फाइबरस कार्टिलेज होता है क्या होता है बेटा वाइट फाइबरस कार्टिलेज ठीक है तो हिप बोन्स बेटा हिप बोन जो आपकी है वो डोर्सली किससे ज्वाइंट बना रही है सेक्रम से हिप बोन फॉर्म्स जॉइंट विद सेक्रम डोर्सली एंड दे आर फ्यूज टुगेदर ventrally by pubic symphysis, by pubic pubic symphysis, symphysis. Right, राइट बच्चे तो ये था आपका पेल्विक गर्डल आगे चलते हैं आगे पढ़ेंगे बेटा बोन्स ऑफ द फोरलिम फोर लिम फोर की बोन्स ये आप देख पा रहे हो बेटा ये फोर लिम की बोन है सबसे पहली जो बोन आपकी यहां पर होगी यहां पर इस बोन का नाम क्या है इसका नाम है ह्यूमरस द बोन ऑफ द अपर आर्म यहाँ पर आप देख सकते हो एक है अल्लाह एक है रेडियस यहाँ पर बेटा आपका थंब है यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर है समझ रहे हो बात तो जो आपकी अल्लाह है अल्लाह में एल आता है सो अल्ला इज टू वर्ड्स योर लिटिल फिंगर अल्ला इज टू वर्ड योर लिटल फिंगर ये बेटा आपकी रेडियस है ये कौन सी है बेटा ये, ये वाली ये वाली ये वाली आपकी रेडियस है ये जो रेडियस है ये आपके थम के टू है ये इट इज टू वर्ड्स ए थम यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेडियस और अल्लाह एक जैसी दिख रही है ये एक जैसी नहीं होती जो अल्ना होती है वो थोड़ी सी पतली होती है रेडियस के कंपैरिजन में फिर उसके बाद आते हैं बेटा रिस्ट में यहाँ पर आपके कार्पल्स और फिर आते हैं यहाँ पर मेटा कार्पल्स ए वाले जो इधर होते हैं इस रीजन में राइट तो अगर दिस इज माई आर्म दिस इज माई आर्म यहाँ पर मेरी अलना होगी यहाँ पर मेरी रेडियस होगी ठीक है ये जो है रिस्ट में इतने पोर्शन में छोटी छोटी आठ बोन्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स ये इस रीजन में मेटाकार्पल्स हैं ये क्या है बेटा आर आर जो मेरी उंगलियों में है बेटा। तो अगर मैं इसका टोटल लगाऊं टोटल तो कितनी बोन्स है मेरे पास एक है बेटा मेरे पास ह्यूमरस एक है ह्यूमरस एक है अल्ना एक है रेडियस आठ है मेरे पास कार्पल्स पांच है मेटाकार्पल्स एंड फोर्टीन है फेलेंजेस फेलेंजेस का क्या है अगर आप अच्छे से देखो जो थंब में होता है वो दो है बाकी सब में तीन तीन फेलेंजेस है बाकी सब में तीन तीन है यस yes, दिख रहा बेटा अच्छे से कैन यू सी दैट सो वॉट बोन्स डू वी हैव इन आर फोर लिम वी हैव ह्यूमरस एक देन वी हैव एक अल्ला देन वी हैव एक रेडियस देन वी है कितने कार्पल्स हैं हमारे पास आठ देन वी हैव मेटा कार्पल्स पांच वी हैव दिन ठीक है ये बोन्स है दीज आस विच आर प्रेजेंट इन आर फोरलिम राइट बच्चे चलो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं आगे साथ वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा काला सा डायग्राम इसमें क्या बेटा ये इसमें आपके पास ये आपके पास आठ कार्पल्स हैं जो रिस्ट में होती हैं फाइन कैन यू सी हियर अगर आपको इनके नाम याद होते हैं प्रिटी गुड अगर नहीं होते डोंट वरी अबाउट इट सो हियर आप देख सकते हो ये अरेंजमेंट होता है चार नीचे हैं चार ऊपर हैं तो ये जो ऊपर वाली रो है ये वाली इसे हम बोल देते हैं बेटा प्रॉग्जिमल रो क्या बोल देते हैं प्रॉग्जिमल रो और जो नीचे वाली रो है दिस वन दिस वन इज द डिस्टल रो ओके सो व्हाट आर द नेम्स वी हैव स्केफॉइड लूनेट रेक्यूट्रम पिसी कैपिटेट हैमेट ट्रेपिजोड एंड ट्रेपिजियम ये सारे इनके नाम होते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वी हैव हाइंड लिम्ब हाइंड लिम्ब में क्या क्या बोन्स हैं लेट्स सी सबसे पहले इनके नाम से ही पढ़ते हैं मतलब नेम से ही पढ़ते हैं पहली है बेटा हमारे पास फीमर फिर उसके बाद बेटा आप देख सकते हो फीमर पहले साथ साथ करते जाते हैं ये एक लंबी बोन थाई में ये होती है फीमेल फीमर बोन ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन होती है उसके बाद आपके पास एक छोटे से घुटने में छोटी सी बोन होती है जिसे हम कहते हैं पटेला द नी कैप देन वी हैव पटेला विच इज कैप जो आपके घुटने में होती है ये भी एक है उसके बाद आप नीचे आते हैं हम यहाँ पर शिन रीजन में यहाँ पर हमारे पास एक आती है टीबिया टी फॉर टीबिया थंप। तो ये टो होता है तो टी फॉर टो कर दो आप तो यहाँ पर टो के टू आपकी टीबिया है फिब्यूला आप देख सकते हो टीबिया के कम्पेरिजन में एकदम पतली सी बोन है और ये यह यहाँ पे होती है लिटिल फिंगर के टू तो फिब्यूला में भी एल आता है तो आप इसको भी लिटिल फिंगर से कर सकते हो जैसे हमने वहां पर अल्लाह को किया था सो देन वी हैव एक टीबिया एंड देन वी हैव एक विब्यूला राइट right? जैसे वहां पर बेटा कार्पल्स थे यहां पर होते हैं टार्सल्स वहां पर आठ कार्पल थे यहां पर सात टार्सल हैं तभी ये एक नी कैप एक्स्ट्रा है तो टोटल थर्टी ही रह जाएगा फिर आते हैं पांच मेटा टार्सल्स एंड देन वी हैव में भी सेम ही रहेगा बेटा वही अरेंजमेंट जो टो तो होगा उसमें टू होंगी बाकी फिंगर में थ्री थ्री होंगी राइट right? अब बात करते हैं बेटा मेटाटार्सल टार्सल की चलो आई हैव दिस डायग्राम फॉर यू ये अपना पैर है ये क्या है बेटा पैर इस पैर में आप देख सक रहे हो यहाँ पर आपका एंकल होता है होता है यहाँ पर एंकल होता है नहीं तो ये जो एंकल है इसमें कौन सी बोन होती है ये तो ऊपर आपकी बोन आ रही है राइट ये जो ब्लू वाली है ये बोन है आपकी टेलस तो टेलस अगर हम बात कर रहे हैं टार्सल्स की तो टार्सल्स में बेटा जो टेलस है टेलस टी फॉर टेलस हम कहते हैं ये टॉलेस्ट पार्ट बनाता है फुट का टॉलेस्ट पार्ट ऑफ फुट ठीक है ये आपका बना रहा है एंकल और हील कौन बना रहा है हील होता है नीचे वाला पोर्शन ये बना रहा है तो क्या क्या बनाता है है बेटा क्या बना रहा हील तो अगर कोई आपको पूछे द पार्ट ऑफ फुट इज मेड बाय तो आप बोलोगे टैलस एंड टेलस एंकल बना रहा है वेर एस कैलकेनियस क्या बनाता है बेटा ये बनाता है हील उसके बाद एक बोन आती है नेविकुलर फिर यहाँ पर बोन्स आती हैं उनके नाम क्या है सो वी हैव टेलस वी हैव कैल्केनियस देन वी हैव नेविक्यूलर और जो नीचे लेबल्ड नहीं है इनका नाम है क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म्सिफॉर्म्स बेटा हमारे पास तीन होती है एक क्यूबॉयड होती है एक नेविक्यूलर होती है एक कैल्केनियस और एक टेलस होती है सो so बस इसमें याद करने वाली चीज क्या है टेलस एंकल बनाती है और कैल्केनियस क्या बनाती है हील बनाती है उसके बाद हमारे पास बेटा ये क्या आ गए मेटाटार्सल्स और ये क्या आ गए फैलेंज आ गए Fine. चलो नेक्स्ट है बेटा जॉइंट्स जॉइंट्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लिटरली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है तो हमारे जॉइंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं है दी द पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन मतलब जब दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ पर जो इनका जो भी यूनियन बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं जॉइंट बोलते हैं तो वॉट इज जॉइंट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इट अ पॉइंट ऑफ आर्टिक्यूलेशन तो जहाँ पर वो आर्टिकुलेशन आ जाए उसको कई बार जॉइंट के लिए भी यूज कर देते हैं आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन्स बिटवीन टू बोन्स तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हाउ मेनी टाइप्स क्या क्या जॉइंट्स हैं बच्चे सबसे पहला ज्वाइंट जो है वो है फाइबरस दूसरा जो जॉइंट है बेटा वो है कार्टिलेजिनस और जो तीसरा जॉइंट है वो है साइनोवियल ठीक है जो जॉइंट है ये एकदम टाइट जॉइंट है ये एकदम कौन सा है टाइट इमूवेबल जॉइंट कहते हैं ना फिक्स तो उसके और क्या नाम है इसे हम कहते हैं इट्स अ ऑल राइट ओके तो इसे हम कहते हैं इट्स अ फिक्स्ड जॉइंट विच जॉइंट इज दिस इट्स अ फिक्स्ड जॉइंट या फिर इमूवेबल भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें दोनों बोन्स एकदम टाइटली जॉइंट बना हुआ है एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं, एकदम कोई स्पेस नहीं है दोनों बोन के बीच में तो वो एक दूसरे को हिला भी नहीं पाएंगी एकदम फिक्स होंगी तो क्योंकि ये बिल्कुल फ्यूज्ड है तो इसीलिए इसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं सिन आर्थरो और आर्थरो वर्ड हम यूज करते हैं जॉइंट के लिए स्टडी ऑफ जॉइंट इज आर्थरोलॉजी ठीक है अब इसमें बेटा अगर मैं बात करूं इसमें दो हड्डियां हैं और दोनों एकदम से एकदम से टाइटली जुड़ी हुई है इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज भरा होगा क्या भरा होगा बेटा यहाँ पर कार्टिलेज भरा होगा इस कार्टिलेज का नाम क्या है वाइट फाइबरस कार्टिलेज क्या नाम है वाइट फाइबरस तो हियर द बोन्स आर टाइटली पैक्ट द बोन्स आर टाइटली जॉइंट राइट right? तो इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती इसीलिए इस जॉइंट को हम इमूवेबल कहते हैं एक जॉइंट हम ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी किया है हमने किए थे स्कल में तो ये स्कल में होता है इसके अलावा गोमफोसिस गोस क्या होता है बेटा ये होता है आपके गम्स में कहाँ पे होता है बेटा ये आपके गम्स में और ये मतलब बेसिकली जॉइंट है कहाँ पर ये है आपके टीथ और सॉकेट के बीच में आपका जो दांत होता है वो आपके हड्डी के बीच में जुड़ा होता है ठीक है उसके ऊपर गम्स चढ़े होते हैं ना गम्स चढ़े होते हैं तो यहाँ पर आपके टीथ और सॉकेट के बीच में जो जॉइंट है वो है आपका गोमफोसिस तो गोम गम से याद कर लेना इसलिए मैं गम्स हमेशा यहाँ मेंशन करती हूँ और गम्स में क्या है टीथ और सॉकेट है उसके बाद बेटा आपका अगला जॉइंट आता है शिन डायलिसिस शिन डायलिसिस इज अ जॉइंट बिटवीन इथमोइड एंड वोमर बोन इथमोइड बेटा एक स्कल बोन है उसके ही बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है वोमर तो वो दोनों जुड़ी होती है अगर ये इथमोइड है और ये वोमर ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ी होंगी तो इसलिए इन दोनों के बीच में टाइट जॉइंट होता है इसे हम कहते हैं शिन उसके बाद आता है बेटा आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसे हम एम्फी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है एकदम हल्का सा मूव कर सकता है स्लाइटली मूवेबल इसमें जो कार्टिलेज होता है बोन्स के बीच में वो व्हाइट फाइब्रस भी हो सकता है और हाइलीन कार्टिलेज भी हो सकता है ये बेटा आपको कहाँ पर मिलते हैं स्लाइटली मूवेबल जो बहुत ज्यादा भी मूव ना करे हल्का सा मूवमेंट शो करे वो है बेटा आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस अभी किया था या फिर दो वटिब्रा के बीच में इंटर वटिब्रल की थी बिटवीन टू वटिब्रे तो वो भी एक तरह का जॉइंट ही है तो वो भी बेटा क्या है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इसके अलावा बेटा रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी हमने कॉस्टल कार्टिलेज बनाया था वो हाइलिन था तो इनके बीच में भी जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है कार्टिलेजनस फिर आता है साइनोवियल इट्स हाईली मूवेबल जॉइंट इसका नाम है डाईआर्थरो इट्स हाईली मूवेबल अब बेटा ये हाईली मूवेबल क्यों है किसी भी जॉइंट की मूवमेंट डिपेंड करती है द डिस्टेंस बिटवीन द बोन्स अगर मेरे पास दो लकड़ियाँ मैं उनको एकदम से फेविकोल से चिपका दूँ तो वो मूव नहीं करेंगे वो तो फ़िक्स हो गई अगर मैं दो दो स्टिक्स लूँ और उनको ऐसे जोड़ूँ और इधर टेप लगा दूँ सो आई कैन मूव इट लाइक दिस कर सकती हूँ ना जैसे अगर मैं बात करूँ इसको इस, मैं एकदम से ऐसे चिपका दूँ ये मूव नहीं करेगा अगर मैं इतना डिस्टेंस रखूँ तो दे कैन ईजिली मूव लाइक दिस कर सकते हैं तो मतलब ये इसीलिए बहुत ज्यादा मूव करता है क्योंकि इसमें हड्डियों के बीच में स्पेस होती है चलो बनाते हैं मान लो ये एक हड्डी है ये दूसरी हड्डी है ठीक है ये दोनों हड्डियों के ऊपर कवरिंग होती है एक कार्टिलेज की जिसका नाम है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या नाम है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज और ये एक हाइलीन कार्टिलेज होता है कौन सा कार्टिलेज होता है हाइलीन तो इज इज दिस दिस बच्चे? आर्टिकुलर कार्टिलेज कार्टिलेज की कवरिंग होगी आपके बोन्स के ऊपर टाइप ऑफ़ अ कार्टिलेज। और आपको भी पता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ के रखता है लिगामेंट तो यहां पर लिगामेंट भी होगा ठीक है यहां पर लिगमेंट भी होगा तो दो बोन को आपस में कौन जोड़ता है बेटा लिगामेंट जोड़ता है राइट <coughs> right? अब इन दोनों के ऊपर बेटा एक कवरिंग होगी इन दोनों के ऊपर एक कवरिंग होगी एक मेम्ब्रेन की इसे कहते हैं साइनोवियल मेंब्रेन क्या कहते हैं साइनोवियल मेंब्रेन जहां से इसका नाम आया है और साइनोवियल मेंब्रेन बेटा एक फ्लूएड सेक्रेट करती है इस फ्लूड का नाम है साइनोवियल फ्लूएड ये साइनोवियल फ्लूएड में बेटा हाइल्यूरोनिक एसिड जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं तो जब इसके म्यूकोपॉलीसेकेराइड कम हो जाते हैं तो जो बोन्स हैं वो उनमें जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है और वो रगड़ खाने लगती है कभी कभी आपने सुना होगा कि घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई सुना होगा ना किसी से ज़्यादातर ही बुजुर्गों में होता है तो मतलब क्या होता है बेटा जब घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो जाती है उसका मतलब है कि ये साइनोवियल फ्लूइड है जो ये थोड़ा ख़त्म हो गया तो ये स्ट्रक्चर था आपका साइनोवियल जॉइंट का अब जो साइनोवियल जॉइंट है बेटा साइनोवियल जॉइंट है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसमें से बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है सो लेट्स सी साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरीज पढ़ेंगे अब हम साइनोवियल जॉइंट्स की कैटेगरीज चलो स्टार्ट करते हैं इसको बहुत ध्यान से समझना है सब बच्चों पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है बॉल एंड सॉकेट ये सॉकेट है ये बॉल है बॉल है ठीक है ये ऐसे फिक्स है और ये बॉल इसके राउंड ऐसे घूम सकती है तो यहाँ पे हर डायरेक्शन का मूवमेंट है तो ये कौन सा जॉइंट हुआ बॉल एंड सॉकेट बॉल कैसे फेंकते हैं बेटा ऐसे फेंकते हैं तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट बना ग्लिनोइड कैविटी की वजह से बना ना बॉल एंड सॉकेट तो वैसा ही जॉइंट हमने एक टांग में भी किया था जैसे ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस फिट होती है वैसा ही जॉइंट हमने कहां पर किया था हमने किया था फीमर के साथ एसिडेबल में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में बेटा क्या होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में आपके पास एक सॉकेट है लाइक दिस दिस इज सॉकेट और सॉकेट में एक बॉल ऐसे फिक्स है तो ये कौन सा ज्वाइंट हुआ बेटा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये कहां पर मिलता है आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये मिलता है बच्चे आपको हिप ज्वाइंट ये लो हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट ठीक है तो पहला हुआ आपका बेटा ये बॉल एंड सॉकेट चलो अगली कैटेगरी करते हैं बेटा हम जॉइंट की अगली है हिंज जॉइंट हिंज क्या होता है दरवाजे में वो जगह नहीं होती साइड वाली साइड वाली जगह होती है ना दरवाजे में ऐसे ऐसे करके खुलता है फिर तो ये जो है चीज ये हिंज होती है तो ये जॉइंट बेटा आपका हिंज जॉइंट कहां पर है बेटा हिंज जॉइंट कहां पर है एक नी में होता है कहां होता है ये नी में नी जॉइंट ठीक है एक होता है ये नी में और बताओ अभी मैंने मूव भी किया इंटरफेलेंजियल ये एक फैलिंगस है ये एक फैलिंग है ठीक है इन दोनों के बीच में ये जॉइंट दिख रहा है ये हिंज है ऐसे करके देखो ये और इसके बीच में इसके अच्छा ऐसे बनाती हूँ इसके और इसके बीच में जो ये वाला जॉइंट है ये भी कौन सा है बेटा इंटर फैलेंजियल ये भी हिंज जॉइंट है फिर उसके बाद बेटा आपका कौन सा ज्वाइंट आता है एल्बो ज्वाइंट जैसा नी ज्वाइंट जैसा ही एक एल्बो ज्वाइंट भी है राइट right? अगला है बेटा आपका नेक्स्ट ज्वाइंट अगला हम पढ़ेंगे बेटा सैडल ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट इज पुअरली डिवलप्ड बॉल एंड सॉकेट इट्स पुअरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट राइट right? ये क्या था बेटा ये बड़ा होकर बॉल एंड सॉकेट बनना चाहता था पर ये बना नहीं तो ये सैड हो गया वैसे ही अगर आप देखोगे चार उंगलियां साथ में थंब को अकेले छोड़ दिया तो थंब भी क्या है सैड तो ये जो जॉइंट है कौन सा जॉइंट है बेटा ये कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थम्प ये भी कौन सा जॉइंट है पिवट पिवट समझते हो एक चीज ऐसे होती है दूसरा उसके एक्सिस पे इधर और इधर मूव करती है लाइक like दिस ये कौन सा जॉइंट होता है बेटा पिवट होता है दिस इज अ पिवट जॉइंट पिवट जॉइंट कहाँ पर मिलता है बेटा नो बोन ऐसे ही बोलते थे मान लो ये था आपका ये फिक्स थी एक्सिस एटलस इसके ऊपर ऐसे घूम रहा था ये पिवट जॉइंट होते हैं तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट एटलांटो एक्सियल जॉइंट इज अ टाइप ऑफ पिवट जॉइंट वैसे ही बेटा रेडियस और अल्ना के बीच में भी पिवर जॉइंट है ठीक है ये अल्ना है ये रेडियस है जब आप ऐसे करते हो तो एक बोन हिलती है जब आप नीचे करते हो तो इसके इधर आप टच करके देखो तो आपको मूवमेंट फील होगी अब इधर टच करो इधर मूवमेंट फील होगी तो रेडियस और अल्ना के बीच में भी पिवर जॉइंट होता है फाइन इसके बाद बेटा आपका है ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा जॉइंट है बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट ग्लाइड करना स्लाइड करना ऐसे रगड़ खाना तो ये फ्लैट बोन्स के बीच में होता है अब जैसे मान लो मैं बात करूं कार्पल्स जो कार्पल्स थी वो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बोन बनाई थी तो ये सब फ्लैट बोन है ये आपस में इनके बीच में जो जॉइंट है वो क्या है बेटा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट वैसे ही हमने टार्सल्स बनाई थी तो टार्सल्स में भी सब में आपस में जो जॉइंट है वो कौन सा है ग्लाइडिंग जॉइंट अब बेटा लास्ट बचता है आपका एक और जॉइंट यहां पर लिख देती हूं मैं बाय पुटिंग स्टार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कैटेगरी करनी है हमें नेक्स्ट है बेटा एंगुलर और एलिप्सॉइडल जॉइंट इसे कॉन्डिलॉयड भी बोलते हैं ये कैसा जॉइंट है कि चीज एंगल पे मूव करे फॉर एग्जांपल ये एक ये एंगल पे मूव कर रहे है ऐसे ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे भी जा रहे है ऐसे भी जा रहे हैं एक मूवमेंट थी ये नो वाली ये तो अटलांटो एक्सेल की वजह से थी पर ये ये वाली जो आप कर रहे हो ये किसकी वजह से थी बेटा अटलांटो हॉस्पिटल की वजह से तो यहां पर या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी या इस डायरेक्शन में होगी तो ये कौन सा हुआ बेटा अटलांटो हॉस्पिटल अटलांटो हॉस्पिटल ज्वाइंट ठीक है तो ये हुआ बेटा आपका एंगुलर जॉइंट और ये बेटा आपका जो जॉइंट है एंगुलर जॉइंट ये मेटा कार्पल और फेलेंजिस होता है राइट कैसे आप उंगली ऐसे भी मूव कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो कर सकते हो तो ये मेटा कार्पल और ये फेलेंजिस इनके बीच में जो ये वाला जॉइंट है ये आपका कौन सा है एंगुलर फाइन बेटा तो ये थे बेटा आपके जॉइंट्स अब दैट्स एट फॉर टूडे सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे तब तक के लिए बाय एंड डोंट गिव अलॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दी बोन्स एन सी आर टी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना नोट्स बनाना जो मैं बोलती हूँ उसको साथ साथ लिखते जाया करो और हम मिलेंगे अगली क्लास में टिल देन टटा बाय बाय